So this is only the recalling of yesterday's lecture. Purchases account debited. जो नाम वो देगा क्वेश्चन में उस एक्सपेंस का, यू विल बी कॉलिंग इट दैट. आई एम अज्यूमिंग दैट इज कैरेज इनवर्ड. सो दिस इज टू बी डेबिटेड. कैरेज इनवर्ड इज टू बी डेबिटेड. अगर तो परचेज कैश में है तो कैश लिख दीजिए टू. अगर उधार पे है तो मीन्स क्रेडिट पे है तो क्रेडिटर का नाम लिख दीजिए. राइट. सेकेंड एंट्री इज ऑफ सेल ऑफ गुड्स. आपने सामान बेचा और आपने अपने सेल्स पर्सन को सेल्स कमीशन भी दी. सो इन दैट केस व्हाट एंट्री वी विल पास. फर्स्टली यू आर सेलिंग द गुड्स. एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. राइट. सेकेंड एंट्री क्या होगी? यू आर गिविंग हिम कमीशन. सेल्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड. ये कल करवा दिया हुआ मैंने सारा. सेल्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश. मीन्स पहली एंट्री में दोनों ही खर्चे हैं तो मैंने दोनों को मर्ज करके कंबाइन एंट्री पास कर दी. इफ द सेम एंट्री इज बीइंग पास्ड एंड वेयर बाय टू और मोर देन टू अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड साइमल्टेनियसली देन दैट एंट्री इन अकाउंटेंसी वी कॉल कंपाउंड एंट्री. बट सेम इज नॉट गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ माय सेल ऑफ गुड्स बिकॉज हियर बाय यू आर गेटिंग द कैश. कैश इज कमिंग इन, दैट इज इनफ्लो ऑफ द कैश. एंड हियर बाय द कैश इज गोइंग आउट, दैट इज व्हाट आउटफ्लो ऑफ द कैश. तो मेरे को दोनों अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ी. इन माय सेकंड केस वेयर देयर वर द एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ सेल, द होल सीन विल गेट चेंज व्हेन देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ एसेट. व्हिच एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स. अगर आप एसेट्स को खरीदते हैं और उसमें रास्ते का कोई किराया वगैरह पे करते हैं तो अलग से एक्सपेंसेस डेबिट नहीं करने. दैट एक्सपेंसेस विल गेट मर्ज्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ एसेट. सेल ऑफ नॉन करंट एसेट. फॉर एग्जाम्पल यू बाय द मशीनरी. मशीनरी कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख और 10,000 डेस्टिनेशन तक मशीनरी को पहुंचाने का रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया तो आप अलग से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस डेबिट नहीं करेंगे. यू विल बी कॉलिंग कि दिस इज अ कॉस्ट ऑफ मशीनरी. मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा. मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक क्योंकि लैक्स में पेमेंट है तो हम चेक के थ्रू ही पेमेंट करेंगे. टू बैंक अकाउंट आई विल बी कॉलिंग इट 5 लाख एंड 10,000. ठीक है जी. सो दिस विल हैपन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट. वी विल गेट इट मर्ज्ड. सिमिलरली व्हेन द एसेट्स आर बीइंग सोल्ड नीचे लिखा हुआ लाइन बुक में देखो. द एक्सपेंसेस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड एडेड आर एडेड इन द लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इफ द एसेट इज सोल्ड एट लॉस. दिस वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. राइट. अगर एसेट को आपने बेचा है और उस टाइम पे कोई खर्चा हुआ है पुराने एसेट को, मान लो आप अपनी लैंड को बेच रहे हैं और लैंड को बेचने के लिए ब्रोकर अपॉइंट किया, प्रॉपर्टी डीलर अपॉइंट किया. फॉर एग्जांपल लैंड आपकी 10 लाख की बिक रही है और ब्रोकर कहता है मेरी कमीशन बीच में से 50,000 दे देना. सो आई विल डिडक्ट इट. मैं सीधा लैंड कितने में बेचूंगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लैंड. मैं माइनस करके लिखूंगी, दैट विल बी 9,50,000. सो एक्सपेंसिस विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट. कोई पुराना एसेट बेचते हैं तो एक्सपेंसेस माइनस करके लिखने हैं. अगर कोई नया एसेट खरीदते हैं तो जो भी रास्ते के खर्चे हैं वो एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. सो लाइक दैट वे यू नीड टू थिंक इन दिस केस. राइट. सो दिस इज द वे हाउ द थिंग्स आर टू बी सेटल्ड विद. नाउ सी द नेक्स्ट केस. वो भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाना स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर बाय वी आर सेलिंग आर ओल्ड एसेट. राइट. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ये मैंने एक पेपर में भी डाला था. व्हेन वी वर सेलिंग आवर गुड्स देन प्रॉफिट ऑन सेल इज नेवर टू बी शोन इन द जर्नल एंट्री. सिंपल एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, जैसे उसने लिखा भी है. गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 सोल्ड फॉर रुपीज, पहले हेडिंग लिखो प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ गुड्स. It is never to be shown in the journal entry. Simply selling price entry pass करेंगे.
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स. बुक वाली एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीपी ऑफ द गुड्स वॉज 3000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 3500. देखने को तो प्रॉफिट हो रहा है. हैड इट बीन द क्वेश्चन ऑफ योर अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप प्रॉफिट को उठाते और प्रॉफिट को आप कैपिटल में एड करते, राइट? बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर अकाउंटिंग इक्वेशन. क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का नहीं है, क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का है. वंस द क्वेश्चन इज ऑफ जर्नल एंट्री, वी विल बी जस्ट पासिंग द जर्नल एंट्री. एंड हाउ आई विल बी पासिंग द जर्नल एंट्री? आई विल ऑलवेज बी पासिंग द जर्नल एंट्री विद द सेलिंग प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस से जर्नल एंट्री पास होगी. क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? सेल्स अकाउंट. नरेशन में सिंपली लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश, दैट्स इट. प्रॉफिट की रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट 35. मान लो सेलिंग प्राइस सेम है और गुड्स आप 2500 में बेचते हो, तो लॉस भी नहीं दिखाना एंट्री में. सिंपल तब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल विद रुपीज 2500, दैट्स इट, राइट? सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स. बट हैड आई बीन सेलिंग द old assets at profit or loss, then that profit or loss I will be showing in my journal entry. So this is what profit or loss on the sale of old assets. आपने अपना कोई पुराना furniture बेचा, old asset, कबाड़ के भाव बिका furniture. For example, उसकी cost 15,000 थी और वो बिका 12,000 में है, हमें loss हुआ. नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करते हुए ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड. तो एंट्री क्या होगी? जो कैश आया वो डेबिट कर दीजिए. डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल है. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट करिए, पूरा नाम लिखिए अकाउंट का. मैंने बोला मैं अपना फर्नीचर बेच रही हूं, टू फर्नीचर. कितना कैश आया भाई, यू थिंक ओवर इट? कितना कैश आया हमारे पास? हाउ मच कैश वी आर गेटिंग इन दिस केस? वी आर गेटिंग कैश ऑफ रुपीस, यस? टेल, हु विल टेल विद व्हाट अमाउंट आई विल बी डेबिटिंग माय कैश? लेट मी कम टू योर स्क्रीन्स नाउ. लेट मी आस्क इट फ्रॉम यू. ओके, फाइन. लेट मी कम टू योर स्क्रीन्स. यस, दिस इज कशिश. कशिश अनम्यूट करो. कशिश अरोड़ा अनम्यूट करो. राजे कशिश बहल, आई थिंक शी इज कशिश बहल. यस, गुड. हाँ ठीक है, जिसने अनम्यूट किया था, ठीक है. कशिश रोल नंबर लिखा करो साथ में. हाँ, गुड मॉर्निंग कशिश. टेल मी विद व्हाट अमाउंट कैश इज टू बी डेबिटेड. कशिश मैम, मैम थोड़ा लाउड बोलना, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही. माइक अपने आगे रखो और स्पीक क्लियरली. सेलिंग प्राइस इज 12,000, कॉस्ट प्राइस इज 15,000. विद व्हाट अमाउंट कैश इज टू बी डेबिटेड? 15,000. नो, इट इज 12,000. सेलिंग प्राइस से हमेशा कैश डेबिट होगा. बैठे बैठाए हमें 3,000 का घाटा है, वो लॉस है. ओवरऑल फर्नीचर मेरा कितने का गया? 15. फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस 15 थी, बट आई सोल्ड इट एट लॉस. आई सोल्ड इट एट रुपीज 12,000. सो वी आर लूजिंग इन दिस केस. फ्यू स्टूडेंट्स रोट मी द आंसर इन माय चैट बॉक्स. यस, गुड. मेघा, इट्स गुड. 12,000 इज कमिंग एंड 3,000 इज द लॉस. हर्षिका, गुड. 12,000 कैश इज टू बी डेबिटेड विद 12,000. गुड. द होल सीन विल गेट चेंज इफ आई से कॉस्ट प्राइसेस ऑफ 10,000. अगर कॉस्ट प्राइस 10,000 है तो क्या होगा बेटा जी? तो कैश कितना आएगा? कैश आएगा फिर से 12, बट अब की बार मेरे को प्रॉफिट हुआ क्योंकि 10,000 की चीज को मैंने कितने में बेचा है? 12,000 में बेचा है. कैश अकाउंट डेबिटेड, यस, टू फर्नीचर, टू प्रॉफिट,
on sale of furniture. I am not selling here the goods. I am selling my old assets. So old assets को जब profit or loss में बेचते हैं, उसका profit or loss हम अपने books of accounts में दिखाया करते हैं, right? So whenever you sell your old assets at profit or loss, we do show its profit or loss in our journal entry. But when we sell our goods at profit or loss, we never show profit or loss in our journal entry. So this thing you have to be clear enough. So furniture is of 10,000. So nominal account को follow करते हुए credit all profit, debit all losses and credit all profits and income. Hereby I credited 2,000 rupees. So two new concepts we have learned. One is expenses on purchase and sale of goods and of assets, and second is profit or loss on sale of goods and on sale of old assets. Right. So four different entries we have discussed. Illustration number 10th is already solved in your book. That you can see yourself. I will be solving follow up 10th for you. See follow up 10th from your book. Prepare the format on your notebooks. Follow up 10th. Unsolved hai book mein. I am solving it for you. You all have to note it down. Harleen is present. He has to send me the attendance. Harleen is there. Yes. Send me today's attendance as well as of yesterday's attendance. Right? Read the first line. Upar likhiye journal in the books of Prithvi Raj. Journal already mere paas heading hai in the books of proprietor ka naam likhna zaruri hota hai if it is given in the question. Prithvi Raj. Prepare its format. Date ka column. This is for date. Particulars. Ledger folio. Debit. Credit. Read the first transaction. Goods sold to Chandar Gupt for ₹22,000. जब कभी भी पर्सन का नाम है सेल इज ऑलवेज अस्यूम्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. दिस इज ऑन 1st जनवरी. चंद्र गुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू. पहली एंट्री मैंने करवा दी, अब आप मेरे को बताओगे रूल वाइज. चंद्र गुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. ₹22,000 बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट. सारी एंट्रीज मिक्स करके डालेगा भाई. ड्रॉ द डबल लाइन टू सिग्निफाई हियर वी एंड्स अप द फर्स्ट एंट्री. रीड नेक्स्ट. चलिए जी मानसी शर्मा अनम्यूट करिए. मानसी अनम्यूट करिए. गुड्स परचेज फ्रॉम चंगेज खान फॉर कैश 33,000. गुड्स परचेज फ्रॉम चंगेज खान फॉर कैश 33,000. मानसी यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ. मानसी इतनी बार थोड़ी ना मैं बुलाऊंगी. यू नीड टू बी अवेयर. सानिया आप करो अनम्यूट. गुड गर्ल सानिया अनम्यूट करो. सानिया आर यू देयर. वेरी बैड. ओके गुड. सानिया पढ़ो जी. गुड्स परचेज फ्रॉम चंगेज खान फॉर ₹33,000. करिए अनम्यूट. सानिया अनम्यूट करो. रजे कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. बेटे परचेज की आपने पढ़ा यानी गुड्स परचेज फ्रॉम चंगेज. सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दोबारा बोलो. परचेज किया. परचेज किया सेल नहीं किया. गुड्स परचेज फ्रॉम चंगेज खान फॉर कैश
₹33,000. सोच के बोलो क्या आया जब मैं सामान खरीदती हूँ, व्हाट इज कमिंग इन? यस आन्या, यू नीड टू आंसर मी. यू अगेन म्यूटेड योर सेल्फ. चलो जी हरलीन आप बोलो. शी रेज हैंड. हरलीन बोलो. गुड गर्ल. डेबिटेड कैश अकाउंट. हरलीन पहले आपने सोचना कैश आया कि गया. सामान खरीदने पे कैश आता है कि जाता है? यस हरलीन वेटिंग मैम. कैश जाता है. तो फिर कैश डेबिट तो नहीं हो सकता ना बेटा. क्या डेबिट? मैम मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. वेरी गुड. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. राइट. ऑल राइट. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. गुड्स आर कमिंग इन और गुड्स को गुड्स ना कह के हम परचेजेस कहते हैं. कैश इज गोइंग आउट तो कैश इज डेबिट. गर्व हैज आंसर्ड मी परचेजेस टू कैश. वेरी गुड. पूरव हैज आंसर्ड मी परचेजेस टू कैश एंड इट इज नॉट न्यू. दिस यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम एज वेल. कशिश हैज आल्सो आंसर्ड मी परचेजेस टू कैश. गुड. परचेजेस अकाउंट चंगेज खान का कहीं नाम नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला है कैश में खरीदा है. परचेजेस टू कैश. पुरानी चीजें अगर याद नहीं है आगे कुछ भी समझ नहीं आना. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. दिस ऑल वी हैव डन बिफोर एग्जाम बिफोर वेकेशन. देयर यू नीड टू रिटेन 33,000 बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. पहला क्या था? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. कम टू नेक्स्ट. डेट वाला कॉलम खुद चलाइएगा. परचेज शेयर फॉर कैश. शेयर मतलब किसी दूसरी कंपनी के शेयर. शेयर मार्केट के बारे में आपको पता होगा. आप शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश भी कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट एंड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश भी कर सकते हैं बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. और यू कैन कॉल इट ओनली इन्वेस्टमेंट. सो आई विल बी कॉलिंग इट इन्वेस्टमेंट ओनली. इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ऑल्सो करेक्ट. इन शेयर ही लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिटेड. आपने कैश में पेमेंट करी. कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट. नई चीज फिर से आपके लिए 44,000. किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे उनमें इन्वेस्ट किया. कम टू द नेक्स्ट. सी हियर ऑन द बोर्ड अपसाइड. रीड नेक्स्ट एवरीवन. फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़िए सभी लोग. सोल्ड फर्नीचर टू अहमद शाह फॉर कैश. अहमद शाह को अपना पुराना फर्नीचर बेचा. फर्नीचर में तो नहीं डील करते कहीं ये? नहीं. फर्नीचर पुराना ही बेचा है ना. फिर क्या एंट्री बनेगी? अहमद शाह का नाम है. कैश में नहीं बेचा. अहमद शाह अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर. सारे हिस्टोरियंस हैं रूलर्स मुगल्स. अहमद शाह अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर. How much? 55,000. सारे multiples of 11 आ रहे हैं ना. Somebody wrote something. Let me read. It's not purchases to cash. It is Ahmed Shah to furniture. बिल्कुल ठीक लिखा जी. आगे चलते हैं. Goods purchase for cash and yes, this is a point to be referred here. सामान खरीदा था 66,000 का और कार्टेज पे किया है 1%. 1% कार्टेज मीन 660 कार्टेज होगा. जब हम सामान खरीदते हैं और रास्ते का किराया पे करते हैं. कार्टेज का मतलब पैकिंग भी हो सकता है. पैकिंग का खर्चा करते हैं तो दैट इज टू बी डेबिटेड सेपरेटली. 66,000 का जब मैंने 1% निकाला दैट कम्स टू मी 660. तो क्या एंट्री होगी? यस परचेसेस अकाउंट डेबिटेड. इज इट ऑन कैश? Yes. Cartage account debited. To cash account. Right? So this will come to me. How much? See? 66,000. Uska 1% 660. 66,660 rupees. Being goods purchased and cartage paid. Come to next. Yes, machinery खरीदी और उसका cartage pay किया.
उसका कार्टेज उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, पहले तो उसका कार्टेज कैलकुलेट करवाओ, 77,000 का 2% 0.14 1 1540 रुपए भाई। सो दिस इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, क्योंकि जब आप एसेट खरीदते हो और उसकी पैकिंग का या रास्ते का कोई भी खर्चा पे करते हो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। लेकिन अगर आप गुड्स खरीदते हो आगे रीसेल पर्पस के लिए, उसका कोई खर्चा पे करते हो तो वो आपका सेपरेटली डेबिट होता है। दिस इज अ रूल। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एड करिए 76,540। मीन्स मशीन हमें, मैं गलत लिख रही हूँ ना, इट्स आई नीड नॉट टू डिडक्ट इट, आई नीड टू एड 78,500। ठीक है, जो खर्चा मेरा रास्ते में पे हुआ मशीन को खरीदने का वो उसकी कॉस्ट में एड हो जाएगा। 19 जनवरी देखो 84,000 का सामान था, 88,000 में बिका। Who will tell me the journal entry? 84,000 का सामान है, 88,000 में बिका। Let me come to your screen. चलो ठीक, शुरू अनम्यूट करो। 84,000 CP and 88,000 SP. Tishnur will tell me the entry. Yes, Tishnur. Unmute. नहीं, समृद्धि प्रभाकर अनम्यूट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बोलो। अमाउंट 88,000। वेरी गुड, 84,000 का सामान है, 88,000 में बिका। एंट्री ऑफ सेल इज ऑलवेज टू बी पास विद द सेलिंग प्राइस। Entry of sale is always to be passed with the selling price. Cash account debited to sales account. All right. कहीं पे profit on sale of goods we never show in our journal entry. This is 88,000. Come to next. Date wala column you will run on your own. I'm just passing the journal entry so that you can have the understandability of the concept. Whosoever has not yet sent the consent form, either in yes or no form, you all are supposed to send it today. After this period, you have a break. Please send it to me so that I can have a record of you people, and the school has to make such an arrangement. Whenever you are saying yes, and we have to see our sitting arrangement in the classes, right? So it is mandatory on your part to send us yes or no. Next, machine 77,000 की खरीदी, cartage paid हो गया, yes, furniture 90,000 का था, 99,000 में बेचा पुराना furniture, cash account profit हुआ, cash account debited to furniture to profit on sale of furniture. So पुराने assets के ऊपर अगर profit or loss होता है, that we show in the journal entry. To profit on sale of furniture. Right? We are selling it off 99,000. कॉस्ट वॉज 90,000. बैठे बिठाए हमें 9,000 का बेनिफिट है, दैट इज 90,000 प्रॉफिट. That we will be crediting in the journal entry, being old furniture sold at profit. 1,20,000 का सामान है, उस्ताद अली को बेचा 110 में. CP is 120, SP is 110. उस्ताद अली का नाम है, so what you will assume this transaction, about this transaction. Okay, next candidate on my screen is Himanshu. Unmute करो. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग हिमांशु, बताओ मेरे को उस्ताद अली को सामान बेचा, कॉस्टिंग रुपीस 120, मैम सेलिंग प्राइस कितना है? हाँ जी, सेल की एंट्री है, बोलो मैम सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस आपके पास बुक नहीं है?
Selling price is 1,10,000. Cost price is 1,20,000. He wrote goods sold to Sadhavi. Costing rupees 1,20,000 for rupees 1,10,000. You will tell and I will write the entry. Yes. Cash account, debit to sales account. Achha. Amount. Amount. Anji. 1,10,000. Okay. Amount is okay, but cash is not to be debited. This is a rule. Whenever the person's name is there, we have to make him our debtor. Jab kabhi bhi question mein person ka naam de rakha hai, sale is to be assumed on credit basis. Am I right, Himanshu? Ma'am, mujhe person ka name nahi aaya tha na. Ustad, maine bola good. Debtors account debited to sales account. Ustad Ali account debited to sales account. Amount was correct. Ustad Ali account debited to sales account with selling price being goods sold. Bas itna likho. On loss likhna hai to likh do, otherwise no need to give the reference of loss. Okay, because we always pass the entry for selling price. 5 lakh ki building hai, 4,40,000 mein bechi. 5 lakh ki building hai, 4,40,000 mein bechi. Megha, unmute karo. Building costing rupees 5 lakh, sold for rupees 4,40,000. Megha, it's your turn. Unmute yourself. Good. Ma'am, cash account debited. Okay. Loss on sale of building debited. Good. To building very good. Account. Very good. Very good. Cash account debited. Cash ki jagah bank bhi likh sakte hain because amount is large enough. Amount is in lakhs. Agar nahi likhte bank, to bhi theek hai. Cash se hi kar lete hain. कैश अकाउंट डेबिटेड बैठे बैठाए हमें लॉस हुआ. नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड. लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट बिल्डिंग अकाउंट. सो 440 इज कमिंग. 5,000 बिल्डिंग था, 60,000 हमें लॉस हो गया. 5 लाख से बिल्डिंग क्या करेंगे क्रेडिट. बीइंग ओल्ड बिल्डिंग सोल्ड एट अ लॉस. This will be the narration. Any doubt to anyone in today's lecture, you are always welcome to ask your queries. Yes, Kashish answered 88,000 selling price done. Cash to furniture to profit on sale. Ustad Ali ko. Okay, ye furniture ka tha. Ustad Ali to sale, bilkul theek hai. Cash debit, loss on sale of building debit to building. I am not audible to you. I am audible. My mic is working. Am I audible to you? Mansi, the problem will be from your side. My mic is blinking and nobody else has written that I am not audible to them. Am I audible to everyone? Send me yes or no. Yes, huh? Yes. I can see on my screen if my mic is blinking and it is giving me a green signal, it means it's working. Right, so Mansi, problem is from your side. There may be problem in your network. So this is enough for today. Rest of the things we will continue by tomorrow. On next week, Monday. Yes, Monday there will be test of accountancy. And jitna journal ka ho jayega kal tak, usse related I will be putting the questions. Right.